अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया अलर्ट न्यूज़ के साथ मैं हूँ अज़ाल गुमन। पर अभी हम मौजूद हैं सिटी जेहलम में, और अगर सिटी जेहलम में सिटी हाउसिंग सोसाइटी की बात की जाए तो वो अपना एक अलग मुकाम रखते हैं पूरे पाकिस्तान में, और यहाँ पे आवाम को तमाम तरह फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। और अगर इनके बानियान की बात की जाए तो मलिक तस्वर हुसैन साहब जो कि CEO इकरा स्टेट एंड बिल्डर हैं, उनका शुमार इनके बानियान में होता है। तो अभी हम उनसे जानेंगे कि क्या सोच थी कि उन्होंने इस हाउसिंग सोसाइटी का वजूद जेहलम में कायम किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं? कैसे ठीक आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मलिक साहब, मैं मजीद बात को बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या सोच थी आपके जहन में, अगर यहाँ पे जेहलम की बात की जाए तो यहाँ पे हमें पहाड़ नजर आते हैं, लेकिन इन पहाड़ों के दामन में क्या सोच थी कि आपने सिटी हाउसिंग सोसाइटी का वजूद अमल में लाया? जैसा कि सबको पता है कि अरसा 10-11 साल से मैं इकरा स्टेट एंड बिल्डर सिटी ऑफ जेहलम से पहले मेरा ऑफिस है, और सिटी हाउसिंग पहले भी हम प्रॉपर्टी का काम इधर करते हैं, अच्छा काम है माशाल्लाह, प्रॉपर्टी का अगर जानकारी से और खलूस नियत से किया जाए तो रियल इस्टेट का। चूँकि सिटी हाउसिंग 4 साल पहले यहाँ पे जब वाज़े वजूद में आई तो मेरा शुमार पहले जो इसके दीवान हैं उनमें होता है, और यहाँ पे आके हमने देखा इन्होंने डेवलपमेंट शुरू की तो हमने ये ज़रूरत महसूस की कि यार इधर हमारा ऑफिस होना चाहिए। ये कंपनी जो है इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी कमिटमेंट्स जो है वो पूरी की, लोगों को डिलीवरियाँ दी तो हमारा और ज़्यादा एतमाद बढ़ा। तो फिर सारे हजरात दोस्त अहबाब प्रॉपर्टी डीलर और इन्वेस्टर हजरात वो और ज़्यादा दिन ब दिन इधर आ रहे, रुख कर रहे, और सबकी रोजी रोटी का सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ अच्छा है। बिजली पानी की सहूलत है यहाँ पे, लाइटिंग जाती है, इनका अपना जनरेटर सिस्टम है, बाकी अभी रजिस्ट्रियाँ वगैरह भी हो रही हैं माशाल्लाह जी, लोगों को फौरी कब्जा दिया जा रहा है, लोग ऐसे यहाँ पे जैसे कि थीम पार्क, जू, चिड़ियाघर आपने देखा होगा, तो अभी काफ़ी सारी डेवलपमेंट है जिसमें और आगे काम कुछ होने वाले, तो हम कंपनी से ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह डेवलपमेंट करते रहें जल्दी, और लोगों को ईमानदारी से डिलीवरी जो है वो दी जाए माशाल्लाह। मलिक साहब, मजीद आपसे पूछना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं जिसके पीछे मेहनत ना हो, जिसके पीछे स्ट्रगल ना हो, उतार चढ़ाव भी, नशेबो फराज भी आते रहते हैं, तो आपकी इस यहाँ तक पहुँचने में, इस मुकाम हासिल करने तक आपको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा? चूँकि पहले जो है वो यहाँ पे फाइल सिस्टम था, और फाइल पे जो है हमें मुश्किल थी क्योंकि कस्टमर जो है वो मुतमिन नहीं होता था, कस्टमर ये कहते थे कि रजिस्ट्री करवा के दें, तो हमने सोसाइटी को इस बात पे मजबूर कर दिया कि आप जो है रजिस्ट्री करवाएँ, ज़्यादा लोगों के नाम जमीन जो है वो ट्रांसफ़र हो। आगे हम उम्मीद करते हैं कि सोसाइटी इंशाल्लाह ताला इसी तरह आवाम की तवक्कात तो पूरे उतरेगी, और हम शुक्रिया अदा करते हैं मेजर आमिर साहब का कि उन्होंने सिटी हाउसिंग जेहलम लॉन्च किया है, और जेहलम में एक अच्छे टाउन की जरूरत थी। अगर फलाही कामों के हवाले से बात की जाए जेहलम में, तो आपका एक मुनफरिद मकाम है, हर कोई आपका इज्जत के साथ नाम लेता है, तो इसकी क्या वजह है? फलाही कामों में क्यों आप इतना इंटरेस्ट लेते हैं? आपके अंदर कौन सा ऐसा जज्बा है? मेरी जी बचपन से ही मैं ग्रेट, लोग मुझे कहते हैं, मैं हूँ नहीं ग्रेट, लोग मुझे कहते हैं मलिक साहब दी ग्रेट, तो मैं इस काबिल अपने आप को समझता नहीं हूँ, क्योंकि इंसानियत से जो प्यार है ये बहुत बड़ी चीज़ है, और मिल बैठ के बांट के खाने में और उसके एक दूसरे के काम आने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जी, और मेरी और मैं मेरे दोस्तों की ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जो है रफायामा के फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इतना प्यारा हमारा पाकिस्तान है, इतने प्यारे यहाँ पे लोग हैं, इतफाक प्यार मोहब्बत से सारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सबको अमन शांति आराम से अपने मामलात जो है वो डिस्कस करें, और जहाँ पर भी किसी को फलाही मामलात में या ज़रूरत हो तो इंशाअल्लाह ताला मैं
اینی ٹائم انشاءاللہ میں حاضر ہوں جی. اور میں اور میرا بیٹا ہم یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں, آفس بنایا ہوا ہے جی سٹی ہاؤسنگ میں. تو ہم وقت ہماری کوشش ہوتی ہے جی کہ ہم کسٹمر کو جو ہے وہ عزت اور ریلیف دیں جی, مناسب ڈیل کریں جی, اور کوشش ہوتی ہے کہ آئندہ سے بھی ہمارے جو ہے تعلقات وہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئے, آپ کا ویلکم کرتا ہوں سٹی ہاؤسنگ میں. سٹی ہاؤسنگ, جہاں آپ کی خوشیاں ہماری اولین ترجیح ہیں. ہم لے کر آئے ہیں آپ کا اپنا میڈیا الرٹ نیوز, جس سے آپ رہیں گے ہر خبر سے باخبر, صرف میڈیا الرٹ نیوز پر. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں جانیں. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے خبروں کی دنیا میں.